दोस्तों आप सबको स्वागत है। आज हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। विलियम बेंटिंक से पहले जो भी थे वो सारे गवर्नर जनरल बंगाल के थे। लेकिन 1828 में ये भी लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल के थे। लेकिन क्या हुआ, 1833 में एक आता है, 1833 में एक चार्टर आता है। पहले इसको समझिए, चार्टर आता है। उसी चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के बन गए। क्लियर हुआ? पहला चीज मैंने क्या बताया, विलियम बेंटिक से पहले और विलियम बेंटिक खुद क्या थे, गवर्नर जनरल बंगाल के थे, ये लास्ट थे। और इस दौरान क्या हुआ, एक चार्टर एक्ट आया 1833 में, जिसमें ये हो गया विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल इंडिया के बन गए, पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन गए। कौन? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन आ सकता है, कौन से एक्ट में विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ये आपका हो गया चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज और जानना है, मैं धीरे धीरे सारे समझा दूंगा आपको। चलिए इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ये जो 1835 रिजोल्यूशन हुआ, इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे इंग्लिश का जो एजुकेशन है ना, इंग्लिश एजुकेशन हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया पूरी तरह से। और यहाँ पे जो कमिटी बैठा तो उसका हेड कौन था, लॉर्ड माकालो, माकालो कमिटी कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सारे समझाऊंगा धीरे धीरे। तो पहला इसको मैंने समझा दिया, अभी इसको देखिए, लॉर्ड माकेले कौन थे। ये जो 1835 रिजोल्यूशन आया था इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत में, हिंदुस्तान में, तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, लॉर्ड माकेले जो ब्रिटिश अपर हाउस था, जैसे हमारे राज्यसभा होता है वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, तो लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है अपर हाउस जो यूके पार्लियामेंट का, तो वहां पे एक मेंबर था माकेले, तो माकेले को भेजा गया। वो ये रिजोल्यूशन का, ये यहाँ पे रिफॉर्म का, यहाँ पे कमिटी जो है उसका हेड था। वो रेकमेंड किए कि इंग्लिश इज मस्ट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तब क्या हो गया, ये चीज हो गई, इंग्लिश एजुकेशन पास हो गया। और एक चीज यहाँ पे देखना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। पूरे भारत में जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है कौन इंट्रोड्यूस किया था, विलियम बेंटिक, इसलिए इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है 1835 में हुआ, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो हुआ 1835 में हुआ, कहाँ पे हुआ, कोलकाता में। ये भी इनके बेंटिक के टाइम पे हुआ, कोलकाता में, ठीक है, जिसको उसी समय कलकत्ता कहते थे, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है 1835 में कहाँ पे हो, कोलकाता में, ठीक है। और मैं चार्टर एक्ट समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसमें और एक बात है बताता हूँ, ये पहला बात तो ये है कि 1833 जो चार्टर एक्ट आया उसमें विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना दिया गया, वो पहला गवर्नर जनरल इंडिया के बन गए। दूसरा चीज ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड था, जो मोनोपोली कर रहा था, वो टी ट्रेड कर रहा था, उसको सब बंद कर दिए, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है आगरा प्रोविंस, जैसे अभी आप जानते हैं बहुत सारे स्टेट है, उसी जमाने में जो आगरा को एक प्रोविंस बना दिया गया 1834 में, उसी समय बेंटिंक थे गवर्नर जनरल इंडिया के, ठीक है। और एक खासियत, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, जो विलियम बेंटिक के बारे में
बहुत सारे गवर्नर जनरल इंडिया के बने और आगे भी बनेंगे, इसके बाद भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मोस्ट लिबरल, हम्बल और एनलाइटेड, मतलब ज्ञानी, ठीक है, इस तरह से मतलब अच्छे अच्छे चीज को जो एक्सेप्ट करते हैं उसमें इनका नाम आता है, बेंटिंक का नाम, ठीक है। तो विलियम बेंटिंक जो थे मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल इंडिया के थे। और अंत में बताना चाहता हूँ सत्ती रिजोल्यूशन पास होता है। सत्ती रिजोल्यूशन जो मतलब आप कह सकते हैं सोसाइटी में उसी जमाने में क्या होता था, मान लीजिए किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसके बाद उसको जिंदा आग में जला देते थे, इसलिए ये जो ट्रेडिशन था उसको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम है सत्ती रिजोल्यूशन। जैसे आपको पता होगा राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे इसके खिलाफ थे, सती के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये सती रिजोल्यूशन जो है पास होते 1829 में, और विलियम बेंटिंक पूरी तरह से सती जो प्रथा था, जो ट्रेडिशन था, उसको खत्म करते। ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसको ध्यान रखना, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।